विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी देने वाली तकनीक बार कोड की उपयोगिता में नया आयाम जोड़ते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने स्वयं नाम से पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क लॉन्च किया है, जिससे ग्राहक पासबुक खुद अपडेट कर सकते हैं। बार कोड रीडर की सुलभता व उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के कारण वस्तुओं पर बार कोड देना आम चलन बन रहा है। भविष्य में इसका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में संभावित है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बार कोड के बारे में। बताएंगे आपको क्या होता है बार कोड और क्या है इसका इतिहास, कैसे रीड कर लेता है बार कोड रीडर बार कोड को। बता रहे हैं आपको सबसे पहले कि बार कोड आखिर होता क्या है। दोस्तों, कोई सामान खरीदते समय आपने उसके पैकेट पर काले रंग की या रंगीन 8-10 या उससे भी ज्यादा लंबी लंबी लाइनें देखी होगी। इन लाइनों में उस खास सामान के बारे में पूरा ब्यौरा होता है, जिसमें उसकी कीमत भी होती है। विभिन्न प्रकार के सामानों के बिल बनाने के लिए कैश काउंटर पर बैठा शख्स सामान को ऑप्टिकल स्कैनर से गुजारता है। यह ऑप्टिकल स्कैनर उसी कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिससे बिल की पर्ची निकाली जाती है। दरअसल स्कैनर बार कोड के ऊपर से गुजरते ही प्रोडक्ट की सारी जानकारी खुद ब खुद कंप्यूटर को भेज देता है। इस तरह कंप्यूटर खरीदे हुए सामान को जोड़कर तुरंत बता देता है और बिल चंद मिनटों में ही सामानों के ब्यौरे के साथ निकाल दिया जाता है। बैंकों द्वारा जो बार कोड लगाया जाता है उसे कियोस्क में डालते ही वह उसमें लगाए गए निशान को पढ़ लेता है और खाली पन्ने पर ग्राहक के सभी एंट्री को प्रिंट कर देता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि बार कोड को रीडर पढ़ता कैसे है। दोस्तों, बार कोड के मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं: क्वाइट जोन, स्टार्ट कैरेक्टर, डाटा कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर। बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है। यह स्टेशनरी डिवाइस है जो बार कोड की सूचना को स्टोर करती है। रीडर में एक लेजर बीम लगी होती है जो लाइन और स्पेस में रिलेशंस के द्वारा कोड को डिजिटल डाटा में बदल देती है और इसे कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। बार कोड रीडर भी मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: पेन वाइट्स, स्लॉट स्कैनर, CCD स्कैनर, लेजर स्कैनर और इमेज स्कैनर। इनमें पेन वाइस सबसे आसान बारकोड रीडर होता है। बारकोड की शुरुआत एक स्पेशल कैरेक्टर से होती है, जिसे स्टार्ट कोड कहा जाता है। प्रत्येक कोड एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ होता है, जिसे स्टॉप कोड कहा जाता है। स्टार्ट कोड बारकोड स्कैनर को बारकोड पढ़ते वक्त शुरुआत के बारे में बताता है। स्टॉप कोड बारकोड को स्कैनर को पढ़ते वक्त यह बताता है कि बारकोड आखिरी चरण तक पहुंच गया है। लीनियर बारकोड के साथ मौजूद नए इलेक्ट्रॉनिक बारकोड का चलन बढ़ा है। बारकोड का इस्तेमाल पुस्तकालयों द्वारा किताबों को ट्रैक करने में भी किया जाता है। अब आपको बता रहे हैं बारकोड का इतिहास के बारे में, बारकोड की शुरुआत कैसे हुई थी और इसका कारोबारी इस्तेमाल क्या है। इन्वेंटर्स एक्सपर्ट मेरी बेलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बार कोड का पहला कारोबारी इस्तेमाल 1966 ईस्वी में किया गया। हालांकि जल्द ही यह महसूस किया गया कि इसमें औद्योगिक मानक के अनुरूप कुछ खामियां हैं, इसलिए 1970 ईस्वी में लेजिकॉन इंक नामक एक कंपनी ने लिखित में यूनिवर्सल ग्रोसरी प्रोडक्ट्स आर्टिफिकेशन कोड यानी UGPIC तैयार किया गया। इसी वर्ष अमेरिकन कंपनी मोनार्क मार्किंग ने खुदरा कारोबार के लिए पहली बार बार कोड यानी कि UGPIC का इस्तेमाल करते हुए उपकरण का उत्पादन किया। इसके अलावा इसी वर्ष प्लेसी टेलीकम्युनिकेशन नामक एक ब्रिटिश कंपनी ने औद्योगिक इस्तेमाल वाले उपकरण का उत्पादन शुरू किया। UGPIC में UPC सिंबल सेट या यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड शामिल है, जिसका इस्तेमाल अब भी अमेरिका में किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बार कोड युक्त पहला उत्पादन रिंगले की च्युइंगम का पैकेट था। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से यह जानकारी और दूर तक पहुँच सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।